Assalamualaikum. So we are discussing the subject today, choosing the right career, and how do you do that? How do you select right career for your future? That's the subject we are discussing today. Dekhiye, we have collected some information for you. Just watch in the screens. हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब अच्छा करियर चुनने में कठिनाइयां सामने आती हैं। ऐसे समय में हम अक्सर दो राहें पर खड़े होते हैं। हमारे सामने सवाल किसी एक राह को चुनने का होता है। कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन्हें कहां जाना है, उनकी मंजिल क्या है। ऐसे लोग उसी राह को अपनाते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत राह चुनकर मंजिल से भटक जाते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी किस ओर ले जाना चाहते हैं। आज के विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सफल होने के लिए सही रास्ता चुनना कितना जरूरी है और कैसे हम इससे अपने करियर को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि व्हाट करियर यू आर गोइंग टू चूज? Of course, to be an engineer is the career that I have chosen for myself. You've chosen to be an engineer? Yes, of course. Very good. पहले मैं बोलती हूँ कि जो हमें मतलब राइट होगा पाथ या करियर हमें ये चूज करना होगा, राइट हम कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं, ये कभी नहीं जानना चाहिए कि हमें कज़िन क्या बोलेंगे, हमें रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, उस पे नहीं जानना चाहिए, बल्कि जानना चाहिए कि हम के हमारे अंदर में क्या है, जो हमारे अंदर में डिज़ायर होगी वो करना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट। बड़ा अच्छा जवाब दिया, एक बार फिर तालियां उनके लिए। सो देयर आर लोड ऑफ times as you have chosen that I want to be an engineer, she said that she will pursue her passion, jo dil mein aayega wo karenge. Lekin aaj ke samay mein, aaj ke dinon mein, jahan pe sainkdon options available ho aapke samne, hazaron option available ho aapke samne, to usko choose karne mein kabhi confusion hota hai ki nahi hota aapko? How do you remove that confusion? और भी और चीज़ें देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैंने वो करियर पाथ चुन लिया, लेकिन ऐसे भी किस्से मेरे पास आते हैं जहाँ पे 10 से 15 साल 20 साल तक इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता रहा, काम करता रहा, 20 साल बाद उसको पता लगा कि उसका पैशन तो कुछ और ही था। पेंटिंग करना उसका पैशन था, फोटोग्राफी करना उसका पैशन था, इंजीनियरिंग में मज़ा ही नहीं आ रहा था 20 साल से। आज के रोज़ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में 60% जो लोग नौकरी करने वाले हैं, 60% पीपल आर अनहैप्पी। दे आर अनहैप्पी बिकॉज व्हाट द जॉब दे आर डूइंग, दे आर अनहैप्पी विद दैट कंप्लीटली। एंड उसमें से 80% ऑफ दो 60% पीपल आर दी लोअर जॉब जूनियर स्टाफ, 60% इज मिडल स्टाफ, 40% इज इवन सीनियर लेवल पीपल। ये क्यों होता है, ये आज का एक विषय हमें इसके ऊपर बातचीत करनी है। हमारा जो ह्यूमन माइंड सेट है, ह्यूमन माइंड सेट दो तरह से काम करता है। एक होता है प्रमोशन, जो अपने आप को प्रमोट करना चाहता है। दूसरा है प्रोटेक्शन, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट व्हाट आई हैव। तो अब ये भी एक चीज़ है कि आपका माइंड कौन सा है। आर यू इन अ वे
इन एज ए नेचर यू आर ए प्रमोशन पर्सन और यू आर ए प्रोटेक्शनिस्ट। मैं आपको दो तीन बातें बताऊं उससे कि प्रोटेक्शनिस्ट क्या होता है और जो प्रमोटर होता है वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसको आप अगर देखेंगे समझेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक कोट बताता हूँ आपको। एक ऐसे आदमी ने जिसको उसका पहनावा तो अलग था लेकिन उस आदमी ने हिंदुस्तान के पूरे यूथ को एक बहुत बड़ी दिशा दी। और हमें, मैं जब स्टडी करता हूँ तो पता नहीं लगता कि ये बात कैरियर चूज करने के लिए स्वामी विवेकानंद कैसे कह सकते थे। उन्होंने कहा टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक इट, ड्रिंक इट, ड्रीम इट, लिव इट, लेट योर ब्रेन, योर मसल्स, योर नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फिल्ड विद दैट वन आइडिया अलोन, दैट्स द श्योर शॉर्ट वे टू सक्सेस, दैट्स व्हाट ही सेड। सो कई बार ऐसा उल्टा हमारे साथ क्या होता है कि हम एक आइडिया से काम शुरू करते हैं, उसके बाद अपना दिमाग फिर घूमने लगता है कहीं ना कहीं और, वो कहने लगता है कि चलो ये नहीं, मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, ये ट्राई करके देखती हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग आगे पीछे जाता है और उसमें कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है आपको। इज समबडी देयर इन यू हु इज कन्फ्यूज दैट व्हाट कैरियर पाथ शुड आई चूज। सर, हम, आपने कहा कि हम इस वक्त जो पॉपुलेशन 70% है वो यहाँ की जॉब्स में जा रही है, वो अनहैप्पी है, लेकिन हमारे पास उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारी नीड्स बहुत बढ़ रही है। यहाँ से हम अगर अपना पैशन करते तो पेरेंट्स बोलते हैं फैमिली को देखो पहले, जब हम अपने पैशन देखते तो हमको अपना पैशन साइड में रखना पड़ता है, फिर हमको वो जॉब ये करना, दैट्स व्हाई हमको पॉपुलेशन बढ़ती है 70%। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने पैशन को, अपने प्यार को, जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, जो काम आप करना चाहते हो, उससे अगर आप नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स के कहने से, किसी और के कहने से, पीयर प्रेशर से, अगर आप दूसरा कोई रास्ता चुनेंगे, यू विल बी अनहैप्पी। And as a unhappy person, you cannot make the family happy, you cannot make anybody happy. अपने parents को समझाना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों मैं कहीं पे हरियाणा में एक शो कर रहा था इसी तरह से, वहाँ पे एक महिला आई मेरे पास, उनको मैंने बुलाया था। हरियाणा के अंदर उसकी शादी 14 साल की उम्र में कर दी गई और गांव के अंदर कर दी गई, वो घूंघट खोल नहीं सकती, उसका मर्द जो था वो अनपढ़ था, और जहाँ पे उसके फादर ने उस शादी को डिसोन कर दिया, खाने को चिंता हो रही थी उसको, उसने ज़माने की परवाह न करके अपना घूंघट खोला और उसने अपने घर में कुछ पशु बांधे, उनके गोबर इत्यादि से खाद बनाना शुरू कर दिया, कुछ गायों का दूध बेचना शुरू कर दिया। शुरू में गांव के लोगों ने बहुत उसको परेशान किया, पति ने बोला कि नहीं करना, तुमको शर्म नहीं आती, तुम काम करती हो, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। एक दिन उसने, उसकी जो आमदन हो रही थी, एक दिन उसकी जेब में 2000 रुपये डाल दिए कि देखो ये आमदन हुई है, तेरे पैसे रख। उसके बाद बोला वो भी मेरे साथ काम करने लग गया, हम खुश हैं, आज मैं सब काम करती हूँ। वो एक अकेली औरत आज के दिन 500 टन खाद बनाती है उन्हीं गोबर की, उससे, और हर साल का वो 50 लाख रुपए की आमदन अपने परिवार के लिए करके देती है। तो पेरेंट्स को समझाना तो पड़ेगा आपको, अगर आप प्रोग्रेसिव हैं, आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको भी फिर खुशी होगी, वो भी आपकी बात को मानेंगे। पर ये समस्या है जो आपने कहा, ये समस्या हिंदुस्तान के 50% परिवारों में है।
क्योंकि बचपन से जब बच्चा घुटने पर बल चलने लगता है तब से माँ बाप उसको रोकने लगते हैं, पानी के पास मत चले जाना, आग के पास मत चले जाना, खिड़की के पास मत जाना, गिर जाओगे। तो जब तक वो बच्चा 10-12 साल का, 15 साल का होता है, जब उसको रिस्क लेने की सारी जितनी ताकतें हैं वो ख़त्म कर दी जाती, वो फिर बच्चा रिस्क ले ही नहीं सकता। मैंने वहाँ देखा यूरोप में कॉन्ट्रेरी ऐसा होता है कि 1 साल का बच्चा होता है उसको माँ उठा करके स्विमिंग पूल में फेंक देती है, तैर अपने आप, 1 साल के बच्चे को फेंक देते हैं वो, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, अगर वो पानी के नीचे जाएगा अपने आप बच्चा हाथ मारने लगता है, हाथ मारने लगता है, 1 हफ्ते में तो वो स्विमिंग सीख जाता है। सो ये समस्या है हमारे, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैंने भी शायद अपने बच्चों के साथ ऐसा किया है कि नहीं नहीं तुम ये नहीं करो वो करो, हम अपनी जो चीज़ है वो लादते हैं अपने बच्चों के ऊपर, ये दिक्कत है, लेकिन आपको उनको प्यार से समझाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी आप ये सब करने के लिए। 20 साल पहले जो मैंने ज़िंदगी देखी वो अलग थी, वो मैं चल फिर सकता था, मैं कॉलेज में था, और 20 साल के बाद कुछ और ही पलट ली ज़िंदगी ने, एक गोली लगी। आज हमारे बीच में ऐसे गेस्ट भी एक आज हमने बुलाए हैं यहाँ, जिन्होंने ज़िंदगी में इसी तरह की मुसीबतों का सामना किया और आगे बढ़े और लोगों को राह दिखाई। ये हैं हमारे बीच में जावेद अहमद टाक। वेलकम सर, वेलकम। देखिए टाक साहब की कहानी हमने कुछ तो रिकॉर्ड की है और फिर इनसे बात करेंगे। मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ये विचार है जावेद टाक का। साल 1996 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में जावेद टाक को गोली लगी थी। इस एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से आप चल नहीं सकते थे। मुश्किल हालात में भी आपने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की बारीकियां सीखने के बाद आप 4 साल तक बच्चों को ट्यूशन देते रहे और 2004 में आपने इन बच्चों के लिए जेबा आपा नाम से स्कूल की नींव रखी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने घर में इधर उधर सुनता हूँ तो मुझे बच्चों का शोर नजर आता है, सुनाई देता है, तो ये बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते हैं, तो क्यों ना आप अपने पड़ोस में देखोगे कि कौन से बच्चे घरों में ही है जो स्कूल नहीं जाते हैं, मैं इनको पढ़ाने का काम करूँगा। जावेद कहते हैं कि बच्चे डिसेबल नहीं होते बल्कि वो टीचर डिसेबल्ड होते हैं जो उन्हें पढ़ा नहीं पाते। जावेद अहमद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जावेद टाक के इस विचार को सराहा है, साथ ही उन्हें समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बताया है। आज आपके स्कूल में करीब 87 स्पेशल बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। आपने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिखाया कि इंसान हर उस सपने को पूरा कर सकता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। इन्होंने ये डिसेबल्ड बच्चे नहीं कहते हैं इनके जिनको पढ़ाते हैं, डिफरेंटली एबल्ड ये कहते हैं उनको। बताइए क्या खूबसूरत बात कही, क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, और ख़ास करके आपने अभी सुना
उस बच्ची ने कहा कि जो वो करना चाहते हैं उनको उनका परिवार, उनके आसपास के लोग नहीं करने देना चाहते। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने इस दुनिया में 40 साल गुजारे, शायद 20 साल पहले मेरी बुक ख़त्म हो चुकी होती, उसका पन्ना बिल्कुल ख़त्म हुआ होता, आज मुझे कोई जानता भी नहीं। लेकिन 20 साल पहले जो मैंने ज़िंदगी देखी वो अलग थी, वो मैं चल फिर सकता था, मैं कॉलेज में था, और 20 साल के बाद कुछ और ही पलट ली ज़िंदगी ने। एक गोली लगी जिसकी वजह से मेरे वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनी, स्प्लीन, लिवर, इंटेस्टाइनल टीयर, बहुत कुछ हुआ, राइट किडनी चली गई, स्प्लीन चला गया। तब मुझे यही कहा गया था कि मे बी 2 months, 3 months, और मैं सुन रहा था डॉक्टर्स को। मैं BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, लास्ट फेज था मेरा, तो मुझे ये लगा था कि बस ज़िंदगी इतनी थी, 20 साल की थी, ख़त्म हो गई। अफसोस तो इस बात का है कि जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाया। तब आपको हिम्मत कैसे आई जावेद साहब? वो मुझे भी पता नहीं, वो अरे मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जो मुझे हिम्मत अगर आई तो वो सिर्फ दो चीज़ों से। एक, जब मैंने देखा कि मैं लास्ट बंदा हूँ अपने घर में, मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, तो मुझे सब प्यार करते थे, तो घर में पूरी सैडनेस छाई रहती थी, हर कोई परेशान था। दूसरा ये हुआ कि मेरे आस पड़ोस में बच्चे खेल रहे थे दिन भर, संडे होती थी, मंडे होती थी, तो मुझे ये आशंका जगी कि क्यों ना मैं इनके साथ अपनी नई लाइफ, यानी कि इनको मैं कुछ पढ़ाऊँ, कि ये क्यों ऐसे ही खेल रहे हैं, दिन भर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेट मी स्टार्ट विद देम। तो मैंने उन्हीं बच्चों के साथ पहले पढ़ाई कि मैंने उनको फ्री ट्यूशन्स दिए अपने आस पड़ोस के बच्चों को, करीबन मैंने 1000 बच्चों को पढ़ाया 2-3 साल तक। तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया, एक राह दिखाई। तो जो मैंने वो बुक बैग जैसा बनाया, तो बच्चों के साथ मिलके आप भी बच्चे जैसे बने। बिल्कुल, मैंने अपने आप को बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बना लिया अपने आप को, और ये उनकी राज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आर वैली, बिकॉज ऐसा अक्सर होता नहीं है कि हमारी वैली में ऐसे शोज़ हो, एंड वी आर रियली प्रिविलेज्ड फॉर दैट। सर, मेरा क्वेश्चन जावेद साहब से ये चीज़ है, सर हमने देखा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं फॉर दिस डिफरेंटली एबल्ड। सबसे पहली बात तो कि विकलांग जन को दिव्यांग जन बनने में भी काफ़ी वक्त लगा है हमारे सोसाइटी में, उनको आइडेंटिफाई करना एक चीज़ है, उनको पर्सुएड करना कि वो आके कुछ सीखे, वो आपके लिए कितना मुश्किल होगा? बिकॉज हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा इनको पार्शलाइज किया जाता है, जो भी हमारे दिव्यांग जन हैं, आपके लिए वो कितना मुश्किल था उन्हें पर्सुएड करना कि वो आगे कुछ करें या आप उन्हें ट्यूशन ऐसे प्रोवाइड करें? जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया तो सबसे मैंने पहले जो थे जो बच्चे थे वो ब्लाइंड बच्चियाँ थी, 2008 में वो मेरे पास आई, तो आज मैं खुश हूँ कि वही मेरा रिज़ल्ट है, क्योंकि एक बच्ची इस वक्त 10th एज ए रेगुलर कैंडिडेट देने को है, शी इज़ गोइंग टू अपेयर इन क्लास 10th, और दूसरी जो है वो क्लास 11th का एग्ज़ाम देने वाली है। तो मेरे पास आइडिया नहीं था हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि मैं तो खुद ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी का शिकार था, उनकी ब्लाइंडनेस थी, तो मेरी चाहत इतनी बढ़ गई कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मुझे भी पता चले। तो मैंने इंटरनेट खोजना स्टार्ट किया, लोगों से बात करनी स्टार्ट की, तो मुझे एक लड़का मिला जिसने एक कोर्स किया था ब्रेल में, और उसी ने बताया कि आपने ब्रेल सीखा खुद अपने? हाँ, मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया। देखिए जहाँ चाह है वहाँ पे राह मिल ही जाती है। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप लाइफ में सर इतना आगे आए हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योरसेल्फ बेस्ड अपॉन कि आप लाइफ में इस टाइम कहाँ पे हैं और आगे कहाँ जाना चाहते हैं, हमारे लिए भी और अपने लिए भी? लाइफ में तो मैं अभी लगता है मुझे कि बहुत पीछे हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है वो बहुत ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू सी जो अब मेरा जो पैशन बन गया है, दैट इज आई वॉन्ट टू सी एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ए पर्सन विद इंडिपेंडेंट लिविंग इन बोथ कम्युनिटी एज वेल एज इन सोशल सेक्टर। जहाँ पर भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो वो अपने आप को अपने आप से कम ना समझे, और बाकी जो आप लोग हैं, आप इंजीनियर्स हैं, यू बिल्ड द रैम्प्स, यू क्रिएट द एक्सेसिबिलिटी, यू क्रिएट द एनवायरमेंट वायर एवरी वन इज़
एक्सेसिबल एंड वायर एवर ही वांट्स टू गो ही कैन गो इजीली। सो उसने आपका भी कर दिया तय और अपना भी बताया, ही वांट्स टू क्रिएट ए सिचुएशन दैट एवरी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन दिस अर्थ शुड नॉट फील देमसेल्व्स हैंडीकैप्ड एंड ही इज टेलिंग यू यू बिल्ड दैट एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच पीपल एवरीवेयर यू बिल्ड एज ए इंजीनियर। तो इनसे और भी सवाल पूछेंगे पर एक छोटा सा ब्रेक। आपके लिए एक शेर, आपकी नजर, तुम हुए मेहमान तो रंगे बामो दर अच्छा लगा, आज पहली बार मुझे अपना घर अच्छा लगा, मेरा दिल चाहता है कि आपसे आपके गले लग जाऊं सर, इतना खूब खूब गले लगे भाई, खूब गले लगे। वेलकम बैक। चलिए आपके प्रश्न बताइए। सबसे पहले सर आपका मैं खुशामदीद करता हूँ, आपके लिए एक शेर, आपकी नजर, तुम हुए मेहमान तो रंगे बामो दर अच्छा लगा, आज पहली बार मुझे अपना घर अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं सर चाहता हूँ कि मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके शो के लिए, मुझे सर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस वक्त आपके सामने हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आपसे आपके गले लग जाऊँ सर, इतना वो जज्बा। आइए ना आइए। खूब खूब गले लगे भाई, खूब गले लगे। सर जैसे कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है ये मैं जानता हूँ, मैं एक गांव से हूँ, लेकिन हमें सही वो राह जो है ना कि एक अच्छा कैरियर चुनने के लिए कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, जैसे हमें वो यानी गाइड करने वाले नहीं मिलते हैं वक्त पे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ जिस तरह आपने यहाँ पे शो किया, मैंने आपके लिए शेयर कहा, मैं चाहता हूँ कि आइंदा से भी आप ये दिमाग में रखें कि कश्मीर में टैलेंट है और आप चाहते हैं कि उनको आगे आप उनके टैलेंट को सहारा। बहुत अच्छा आपने, इन्होंने मेरे को बड़ा बहुत इज्जत बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सवाल का जवाब दूँ, मुझे पता है कश्मीर में बहुत टैलेंट है और मेरे जो चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर रहे वो कश्मीर से थे, जब तक वो डेथ रही उनकी, उनको डेथ हुई, वो 30 साल तक मेरे साथ चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर के रूप में रहे हैं और इसीलिए आज यहाँ मुझे आने का मौका मिला और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए हो। हाँ जी, यू कोटेड डॉक्टर स्वामी विवेकानंदा दैट फॉर चूजिंग अ करियर, एनी सॉर्ट ऑफ करियर, जस्ट लिव इट, ड्रीम इट, ड्रंक इट एंड so that direction of Swami Vivekananda definition of career was I think the unidirectional, if you want to do something in life just follow it, but I think sir the career or the passion is where the life takes you. Do you think that Swami Vivekananda's definition of unidirectional choosing the passion or choosing the career in your life is right? Main ye kehta hu ki jis kaam ko karne mein आपको सुकून मिलता हो, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो, जिस काम को करने में आपको ये लगता हो कि ये काम नहीं है, काम काम ना लगे, उस काम को करिए। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, मेरे साथी भी कहते हैं कि क्या बात आप थकते नहीं हो, अरे मैंने कहा थकेंगे किस बात से यार, नहीं नहीं थोड़ा आराम करिए, मैं कहा मुझे काम करने में आराम मिलता है, तो ये इसलिए है कि मैं जिस काम को करता हूँ उसको पसंद करता हूँ, वही काम करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। मुझे शुरू में जब ये शुरुआत की तो मेरे फादर ने ये कहा कि तुम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा बांटते हो, पैसा भी बांटते हो, अच्छे कामों में लगाते हो, कुछ करते हो, तो अपना तजुर्बा क्यों नहीं बांटते तुम। अब उसको सोच के उन्होंने जब कहा तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, आज इस एक्सपेरिमेंट में मुझे भी सीखने को मिल रहा है और लोगों को भी फायदा हो रहा है, तो मुझे मज़ा आ रहा है, क्यों नहीं करूँगा। ऐसे लोगों से मिलने का मिलना होता है, मेरी भी हिम्मत और बढ़ जाती है। कभी अगर मुझे किसी काम में नाकामयाबी मिलेगी तो किसी दिन जावेद साहब को याद कर लूँगा, तो किसी दिन उस महिला को याद कर लूँगा, बिल्कुल वापस फिर खड़ा हो जाऊँगा। सर कश्मीर में हमारे में टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है, अगर बाहर है यहाँ क्यों नहीं है, फिर उनमें और हमें क्यों फर्क है, हम उनके हम अगर टैलेंट है फिर हम उनके बराबर क्यों नहीं है, वो आई रीजन क्या है।
एक्चुअली हमेशा यही बात रहती है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआ तो प्यासे के पास नहीं आएगा। प्लेटफार्म इज देयर, लेकिन आपको कुपवारा से कभी श्रीनगर भी आना पड़ेगा, कभी यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी, मतलब यू हैव टू बी द क्वेस्ट पर्सन। आपको क्वेस्ट रखनी है, आपको एक ऐसे थर्स्ट रखनी है जो जिससे आपको मंजिलों तक जाना पड़ेगा, और आप ही को अगर है नहीं तो आप ही स्टार्ट करो। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ दीज इंजीनियर्स, बोलिए, जितने भी यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स हैं, प्लीज़ क्रिएट द एक्सेसिबिलिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और जो यहाँ पे कॉलेज है, तो यू शुड सेंसिटाइज द इंजीनियर्स दैट क्रिएट द इंक्लूजन। अगर यहाँ पे आपने ये छोटा सा ये वुडन प्लैंक्स का रैंप नहीं बनाया होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। कभी कभी बिल्डिंग्स में आने के लिए ह्यूमिलेशन हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी के भी आर्डर्स है, डिसेबिलिटी एक्ट भी वेरी एक्टिव है, तो आप प्लीज़ इसको हमें इंक्लूड करने के लिए आप हर जगह सेंसिटाइजेशन क्रिएट करो, रैंप्स बनाओ, लिफ्ट सजेस्ट करो। अगर आपके पास कोई प्राइवेट एजेंसी आती है एज ए इंजीनियर कि मुझे ये करना जी, है जी, ये बिल्डिंग बनानी है, तो नथिंग विदाउट डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसमें देश में कानून भी है, कोई पब्लिक बिल्डिंग विदाउट फ्रेंडली टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल नहीं बन सकती, पास ही नहीं हो सकती। और आपकी बात का और जवाब दूंगा। मैं आज ऐसे ही जब सुबह से आया तो पूछ रहा था, क्योंकि मैं भी एक जिज्ञासु हूँ, क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, और आपको भी कहूँगा बच्चे की तरह से सवाल पूछिए। जैसे बच्चे में जिज्ञासा होती है ना जानने की, मुझे यहाँ पता लगा आके कि मुझे लगता है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी या जो भी कोई है, उन्होंने कश्मीरियों के हाथ बांधे हुए हैं। यहाँ पे मुझे इस कॉलेज का तो नहीं पता, लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि कॉलेज की फीस भी सरकार तय करती है यहाँ, कहीं भी दूसरे किसी और दूसरे सूबे में ऐसा नहीं है। एडमिशन भी सरकार ही करती है, उनको कुछ आगे बढ़ने की परमिशन भी नहीं देती है। आपके साथ पता नहीं ऐसा है कि नहीं इस कॉलेज के साथ, लेकिन बड़ी मुसीबत है ये। तो उन्होंने ही आपके हाथ बांध रखे, नहीं तो आपकी आपके अंदर काबिलियत है, कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। क्या दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है। That syllabus is not going to help them. But still, we are indulged, we are forced to teach them that subject. काश मैं इस बात का जवाब दे पाता, अगर मैं सरकार में होता तो जरूर देता। मैं सरकार में होता तो ये होने ही नहीं देता, जो आपका क्वेश्चन पैदा हुआ वो सवाल ही नहीं उठता था। जो चीज मुझे मोटिवेट करती है वो जरूरी नहीं कि आपको भी मोटिवेट करे। हर इंसान की मोटिवेशन अपने अपने अलग अलग होती है, और अपना अपना वो टैलेंट भी अलग होता है। मैंने एक खुद किताब लिखी थी 10 साल पहले, पतली सी किताब है, कि कैसे कामयाब होना चाहिए। आपके अंदर 3 तरह के टैलेंट मैंने लिखा होते हैं। एक तो स्ट्राइविंग टैलेंट, किसी भी चीज़ को करने की लालसा, जैसे जावेद साहब में आपने देखा। थिंकिंग टैलेंट, आप सोचते हैं, समझते हैं, आप उस पर मनन करते हैं, कुछ विचार करते हैं, वैसे टैलेंट होते हैं। तीसरा रिलेटिंग टैलेंट। तो ये क्या है? स्ट्राइविंग टैलेंट इज वाई ऑफ ए पर्सन, थिंकिंग टैलेंट इज हाउ ऑफ ए पर्सन। हाउ इज दिस पर्सन, हाउ द पर्सन थिंक्स, दैट्स हाउ द पर्सन इज। एंड रिलेटिंग टैलेंट इज हु ऑफ द पर्सन। सो व्हेन यू नो वाई, how and who of the person, then you know exact full personality of yours. Or promotion type people, when we say you will try to seize a given opportunity immediately, you will grab the opportunity. Then hai jo preserving thinking jo hai, usme wo sara detailed orientation hogi, uski puri detail jab tak usko samajh nahi aayegi tab tak wo us par action nahi lega.
तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी थिंकिंग के आदमी हो, उसमें आपको समझ में आएगी। और हमारे साथ एक और मेहमान है जिनको मैं मिलाना चाहता हूँ, जफ़ार अली साहब। जफ़ार अली साहब इज़ अ हेड ऑफ कैरियर पार्क, ही इज़ ए एमिनेंट कैरियर कंसल्टेंट ऑफ कश्मीर वैली। ही हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर टू फुलफिल देयर कैरियर एस्पिरेशंस एंड देयर एकेडमिक एजुकेशन एज वेल। 24/7 काउंसलिंग करते हैं आप, कैरियर काउंसलिंग? बिल्कुल। चलिए आप बताइए अपने आप क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कैरियर है ये हमने स्टार्ट किया है 2007 से। जैसे मुनज़्ज़र ने बोला कि यहाँ कश्मीर में चूज़ करने में हर जगह हमें वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सेम ऐसा ही मुझे हुआ था 2004 में, जब मम्मी ने बोला कि जाफ़र आप भी डॉक्टर बनो। लेकिन जब यहाँ से हम निकले, बहुत कुछ यहाँ डिस्कस करने के लिए है, लेकिन जो ये कैरियर आफ्टर 10 प्लस 2 तक हमारे कश्मीर में, जहाँ तक हमने अदर स्टेट्स देखे हैं, बिल्कुल हमारा कश्मीर परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें नज़र नहीं आता है कि भाई जाना कहाँ है हमें। पड़ोस में डॉक्टर हैं, अंकल बोलते हैं कि नहीं जी आपको भी डॉक्टर बनना है। इंजीनियर साहब हैं, रोड समेत हम देख रहे हैं रोड कैसे बन रहे हैं। आपके सवाल क्या इनसे? सर ने अभी बोला हम काउंसलिंग करते हैं, मतलब आप किस टाइप की काउंसलिंग करते हो? अगर बंदा यहाँ से बोलेगा कि मुझे MBA डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप किस काउंसलिंग, रादर काउंसलिंग उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जिनको अपने करियर के बारे में कुछ पता ही ना हो, जो तय नहीं कर पाए, उनके लिए काउंसलिंग कर। इस चीज़ का ये मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं होता है कि कोई कोर्स करने के लिए काउंसलिंग मेरे पास आ जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं उर्दू के लिए जाऊँगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी आप पढ़ोगे वो आप बिल्कुल उसमें मास्टर बनिए। मैंने जैसे आपके बताया, अपना टैलेंट पहचानिए। टैलेंट आपका कैसे पहचानेंगे आप? जिस काम को करने के लिए आपका मन बार बार करे। अपना बचपन को देख लीजिए, बचपन में आपको कई बच्चे मिलेंगे जो हर बार किसी न किसी चीज़ की तोड़ के मरोड़ के उसको रिपेयर करने में बैठे लगे होते हैं। खिलौने को ही तोड़ेंगे, उसके बाद फिर बना लेंगे उसको। तो ये समझो कि वो टेक्निकल चीज़ में दिमाग ज़्यादा लगता है उसका। पेंटिंग करने का शौक़ है, पेंटिंग करिए। आजकल हर कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई चीज़ अगर आपके कल्चर के खिलाफ हो मत करिए, मैं नहीं कहता कि उसको करिए, लेकिन जो चीज़ उस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं ज़िंदगी में। अगर आप देखें अपने खुद को पहचान के उसके मुताबिक अपना काम करिए। जैसे पहले हमने जब शुरू किया था प्रोग्राम, जो आप कहते हो कि हमारे को पेरेंट्स जो प्रेशराइज करते हैं, पीयर प्रेशर भी होता है। मैंने बहुत बार, कई बार मैंने कॉलेजेस में जाता हूँ तो भाई तुम यहाँ क्यों आए, MBA करने क्यों आए? कि साहब मैंने इसलिए आगे, क्यों मेरा दोस्त भी यहाँ आ रहा था इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। उसको खुद को नहीं पता है कि क्यों वो वहाँ पर आया। तो जो भेड़ चाल जो होती है ना, वो मत करिए। जैसे आपने कहा कि कश्मीर में आदमी जो या तो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में। चलिए आप इस शो पे आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सो माय क्वेश्चन टू यू इज सर, शुड आई लुक टू रेप्लीकेट समवन एल्स सक्सेस एज दैट, और शुड आई फोर्ज माय ओन पाथ? यू शुड चूज योर ओन पाथ। आपका नाम क्या है? मुदस्सिर। मुदस्सिर नाम है आपका। मुदस्सिर को मुदस्सिर ही बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए। सो प्लीज सी टू आवर एगोनी एज वेल। द प्रॉब्लम इज वी नो एट टाइम्स दैट मटेरियल और द सिलेबस वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, दैट सिलेबस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम, बट स्टिल वी आर इंडल्ज, वी आर फोर्स्ड टू टीच देम दैट सब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड मैं हमेशा पाठ पढ़ा रहा होता हूँ, कम अप, फॉलो योर पैशन, लेकिन एट द एग्जामिनेशन टाइम इट्स टेस्ट ऑफ मेमोरी, नॉट इंटेलिजेंस।
काश मैं इस बात का जवाब दे पाता, अगर मैं सरकार में होता तो ज़रूर देता। मैं सरकार में होता तो ये होने ही नहीं देता, जो आपका क्वेश्चन पैदा हुआ वो सवाल ही नहीं उठता था। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमने बांध के रखा हुआ है ना अपना, जो उसके ऊपर कंट्रोल रखा गया है, ये गलत है। ये कंट्रोल कहीं भी नहीं है, कहीं भी। मैं तो दुनिया में घूमा हूँ, इतना कंट्रोल कोई भी नहीं करता। लेकिन है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप, मैं समझता हूँ कि यू आर ए टीचर फैकल्टी, अगर आप स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की चीज़ सिखाना शुरू करेंगे एडिशनल, मुझे लगता है कि वो लोग सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। और अगर आप उनको एक ही चीज़ सिखा दीजिए कि लिव इन द प्रेजेंट एंड डोंट लेट योर ब्रेन गो टू पास्ट और टू फ्यूचर, मैं ये कहता हूँ कि जितना टाइम आज वो उस पढ़ाई में लगाते हैं, उससे आधे टाइम में वो उतनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। और जब उस आधे टाइम में वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उनके पास आधा टाइम बचा हुआ है, आप और भी कुछ अच्छी बातें सिखाइए जो वो सीखना चाहते हैं, जो उनका पैशन है। हमने माउंट लिट्रा नाम का स्कूल चलाते ही, हमारा ग्रुप चलाता है, जी ग्रुप चलाता है, 150 स्कूल हैं उसमें, और किड्जी नाम के हमारे इस समय में लगभग 2500 स्कूल हैं प्री स्कूल के बच्चों के। तो वहाँ पे जो सिलेबस है वो पढ़ाते हैं, लेकिन वी टीच स्टूडेंट्स ऑल द टाइम ब्रिंग योर माइंड बैक टू प्रेजेंट। जैसे आप देखिए, जिस समय जिस टाइम आप अपनी पूरी चीज़ से किसी को याद करते हैं पूरी शिद्दत से, अगर किसी अपने दिल्ली में रह रहे, बंबई रह रहा, कोई कश्मीर में रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, उसको आप किसी वक्त बड़ा ध्यान से उसको याद करते हैं, तो आप देखते तुरंत 2 मिनट बाद उसी का फ़ोन आ जाता है। होता है कि नहीं ऐसा कभी कभी? वो क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त आपका कंसंट्रेशन पूरा उस आदमी के ऊपर था जिसको आप याद कर रहे थे। तो कंसंट्रेशन इज द की एंड दैट विल जनरेट डायनेमिक रिजल्ट आउट ऑफ दैट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का ये शो में आप लोगों ने खुल के पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी scshow@subhashchandra.com वर मेल करा किंवा SMS करा scshow स्पेस द्या, आपला प्रश्न लिहा आणि पाठवा 57575 वर। फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।